नमस्कार। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काफ़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक तरफ आप लोग नज़र डालोगे ईरान इराक के जो सिचुएशन है उसकी वजह से काफ़ी सारे ऑयल स्टॉक के ऊपर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल के रेट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पे चिंताजनक बात है। सेकेंडली आप लोग नज़र डालोगे तो इलेक्शन भी यहाँ पे कई शहरों में होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं सेलिंग प्रेशर के लिए या इन स्टॉकों के अंदर। पर इलेक्शन के बाद जो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकेगी तेज़ी देखने को मिल सकती है। रिसेंटली स्टॉक कल गैप डाउन से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली, फिर भी सेलिंग प्रेशर में ही नज़र आया। न्यूज़ की तरफ नज़र डालोगे तो इंडिया शेयर सेक्टर यहाँ पे देख सकते कोई खास न्यूज़ नहीं है। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग पर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो नीचे 160 150 लेवल एज ए सपोर्टिव लेवल से यहाँ पे स्टॉक के लिए तो 160 के करीबन सपोर्ट लेके सस्टेन हो सकता है। रिसेंटली 165 का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक पिछले एक दो वीक से।